हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सक्सेसफुल फिजिक्स। सक्सेसफुल फिजिक्स में आप सबका एक बार फिर से बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। पहले ही हमने बहुत कुछ सीख लिया है मैग्नेटिक मटेरियल्स इस चैप्टर से, तो आज पढ़ लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि देखिए, आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीन मटेरियल्स जो है इसके बारे में आप जानते हैं, करेक्ट है। तो ए जो है ए उसकी एटम्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड मटेरियल्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, करेक्ट है। तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, जितने भी मटेरियल्स पूरी दुनिया में है, हमारी दुनिया में जितने भी मटेरियल्स होंगे, उस मटेरियल्स में उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में वो आते हैं तब वो किस तरह से बिहेव करेंगे, इससे डिपेंड होके हमारे कुछ तीन टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स यहाँ पर बनते हैं। तो वो क्या है ये हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये नाम तीन नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, उसके बाद है पैरामैग्नेटिक और उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इस तरह के। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स इन तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं, डाई, पैरा और फेरोमैग्नेट में, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कुछ तो मैग्नेट है, करेक्ट है। कंसीडर दिस इज वन टाइप ऑफ मैग्नेट वी आर हैविंग, ओके। तो इस मैग्नेट की कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरह से इतने सर्कल में, इतने एरिया में इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, करेक्ट है। तो अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इसकी। अब हमारे पास ये हमारा एक अलग मटेरियल है, सपोज ये हमारा मटेरियल है, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, दिस इज मैग्नेटिक मटेरियल। हमें पता नहीं है कि ये डाई है, पैरा है या फेरो है, करेक्ट है। तब अब ये जो मटेरियल है, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट इस मटेरियल को अपने पास अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट है। अब ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल इस मैग्नेट पे अट्रैक्ट होता है या नहीं होता, या ये कुछ अलग बिहेवियर दिखाता है। तो इस तरह से जब भी कोई डेंस रखेगा, इस तरह से जब भी कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम किसी मटेरियल पे अप्लाई करेंगे, तब वो मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है इस पे डिपेंड होती है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फिर वो फेरोमैग्नेटिक है, ओके। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे, ओके। सबसे पहले बात करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के। तो देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। तो देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी लास्ट वाली जो ऑर्बिट होती है, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट, ओके, वो कंप्लीटली फील्ड होती है। किस तरह से, लास्ट ऑर्बिट क्या है, कंप्लीटली फील्ड, ओके। पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स है जिनकी लास्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड है, उन पर जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रहता है वो जीरो होता है, ओके। ध्यान से देखिएगा, लास्ट की जो वैलेंस शेल है, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। लेटेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिंक का। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिंक कितना एटम्स है जिनके पास, 30, ओके, एटमिक नंबर जिंक का 30 है। तो लास्ट में, उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लास्ट में कितना आएगा, 3d10, यानी कि कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है इसकी, 3d10, ओके। यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है, पेयर्ड है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जिंक क्या हुआ, जिंक पर क्या होती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जीरो रहेगी। क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि जिंक की लास्ट वाली जो ऑर्बिट रहेगी, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट, ओके, लास्ट वाली जो ऑर्बिट रहती है उसे हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं, वो जिंक की कंप्लीटली फील्ड रहेगी। देखिए हम किस तरह से निकलते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3d, 3p6 और 3d10, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, पूरे हो गए क्या, देखिए 8, 10, 12, 18, 3d10, 28 हो गए, कुछ तो गलत हो गया यहाँ पर, यस, यहाँ पर देखिए 4s2, ओके, 4s2, 3d10, ओके। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा जिंक का। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाली इसकी वैलेंस शेल है जिंक की, 3d10 वाली,
जो कि कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए इस जिंक पे जितनी भी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी वो कितनी होगी, जीरो रहेगी। ओके, तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जीरो है, तो जितने भी मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी लास्ट वाली वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड होती है, ओके, जिनकी लास्ट वाली ऑर्बिट कंप्लीटली फील्ड होती है, जिन पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जीरो रहता है, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल है जिनकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जीरो है। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये मटेरियल्स स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करते हैं, स्ट्रांग से वीक की ओर ट्रैवल करते हैं, इनका जो पाथ है, इनका जो रास्ता है ट्रैवलिंग का, ओके, कैसा है इनका रास्ता, है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर ट्रैवल करना। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए, ये मैग्नेट है, ये अपना मटेरियल है, बिकॉज कंसिडर दिस इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ऐसा कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगी, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ पर क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, तो अपना ये जो मटेरियल है ये इस तरह से ट्रैवल करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल जो है स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर ट्रैवल करता है। तो इस तरह से ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी इस मटेरियल की, डायमैग्नेटिक मटेरियल की। ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की ये डायरेक्शन हो गई स्ट्रांग से लेकर वीक की ओर। ओके, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, देखिए अब जब ये स्ट्रांग से वीक की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो मुझे बताइएगा कि क्या ये मैग्नेट को मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, करेक्ट। तो मैग्नेट की ओर से ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक फील्ड इन्हें रिपेल करती है। ओके, सो दीज मटेरियल्स आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस तरह के डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो भी होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर से इन्हें रिपेल किया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इन्हें अपने पास आने नहीं देता। ओके, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हो गई डायमैग्नेटिक मटेरियल की। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ओके, इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है निगेटिव। ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होती है निगेटिव। ओके, तो इस तरह से एक पॉइंट आ गया आपके पास, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हमने देख लिए। अब बात करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। ओके, तो देखिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर डाई के बारे में देखा है, ओके, जितने भी पॉइंट्स डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में हमने देखे, उसके सब कुछ अपोजिट होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में। ओके, डाई के एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरह से काम करती है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो इनके ऊपर जो डायपोल मूवमेंट होगी वो जीरो, कम्प्लीटली जीरो नहीं होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वाली ऑर्बिट होती है, ओके, लास्ट वाली ऑर्बिट जो होती है वो कम्प्लीटली फील्ड नहीं होती। ओके, ओके, नॉट कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिट, करेक्ट है, जो लास्ट वाली वैलेंस शेल होगी, जस्ट जिस तरह से यहाँ पर देखा ये कम्प्लीटली फील्ड थी, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो अनपेयर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर जो है नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो मटेरियल्स है इनका हमें पाथ देखना है। ओके, ये जो मटेरियल्स है इनका पाथ कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल करती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो थे वो स्ट्रांग से लेकर वीक जा रहे थे डायमैग्नेटिक, अब ये जो मटेरियल्स हो गए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इनकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। ओके, ये जो मटेरियल्स हो गए वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर से, वीक की ओर से ये स्ट्रांग की ओर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इनका जो रास्ता होगा वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की ओर इनका रास्ता होगा। ओके, अब देखिए क्या मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, आप खुद से ही पूछ लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये रास्ता, देखिए वीक से ओर लेकर
टर्न की ओर ले जा रहा है, तो इसका रास्ता क्या होगा? इसका सॉरी, ये मैग्नेट इसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? मैग्नेट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ओके, अट्रैक्टेड बाय द दीज मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल. ओके, सो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये इसे अट्रैक्ट करते हैं. अब देखिए, जब इन पर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहली बात करेंगे यूनिफॉर्म के बारे में. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन वीक. ओके, जब वीक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, वीक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मटेरियल्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, सो ये मटेरियल्स इन पर नेट डाइपोल मोमेंट रहता है जीरो. कब रहता है? जब वीक मैग्नेटिक फील्ड रहता है. ओके, ध्यान से देखिएगा, जब वीक मैग्नेटिक फील्ड रहता है तब उन पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा. लेकिन जब स्ट्रांग मैग्नेट स्ट्रांग बी की वैल्यू रहेगी, यानी कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, तब उस पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जरूर रहेगा. ओके, तो ये डिफरेंस है पर्टिकुलरली पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में. फेरोमैग्नेटिक के बारे में हम बाद में जान लेंगे. तो यहाँ पर देखिए, एक प्रॉपर्टीज हो गई. अब देखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. तो इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी इस मटेरियल की, तो उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव. ओके, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगी? पॉजिटिव होगी. तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हो गई डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की. अब देखते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है. देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो कुछ तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है? उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो देखिए उनकी प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रांग रहती है देन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी वीक रहती है. ये वीक, जब इन पर वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है तब यहाँ पर जीरो रहता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वहां पर जो भी प्रॉपर्टीज उनकी होती है वो सारी बहुत ही स्ट्रांग प्रॉपर्टीज होती है. और यही एक रीजन है कि जो हम मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो मैग्नेट इस्तेमाल करने में ज्यादा से ज्यादा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज किया जाता है. क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. किसी भी तो आसानी से उसे किसी भी मैग्नेटिक मैग्नेट बनाने के लिए उसे आसानी से यूज किया जा सकता है. तो देखिए, इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टीज जान ली डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, तो वो देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं. तो देखिए, यहाँ पर बात करेंगे क्यूरी टेम्परेचर के बारे में. ओवरऑल में आपको बता देती हूँ कि देखिए, एक ऐसा टेम्परेचर आता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस टेम्परेचर को पार करने के बाद, ओके, जो टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट होते हैं. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम फेरो से पैरा में उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो वो मटेरियल, जो मटेरियल इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक मटेरियल में, सॉरी, वो टेम्परेचर जो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट करता है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्यूरी टेम्परेचर. ओके, सो इस क्यूरी टेम्परेचर के बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. तो आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में हमें जानना था, हमने जान लिया. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल में थे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये बातें सब कुछ समझ में आ गई होगी. तो इस तरह से ये सारी बातें रहती है. अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा. अगले वीडियो में बात करते हैं क्यूरी टेम्परेचर और डोमेन थ्योरी के बारे में. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.